गाइस यार, मुझे अभी अभी टोनी स्टार्क ने कॉल करके इमरजेंसी में बुलाया है। पता नहीं क्या हो गया। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होगा। एक काम करता हूँ गाइस, अपनी नई कार में जाता हूँ जो कि एकदम स्पोर्ट कार है। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी ये कार। तो चलो एक काम करते हैं, सीधा स्टार्क मेंशन चलते हैं हम अभी के अभी। आज तो दोस्तों मज़ा ही आ जाएगा। नहा धोकर जा रहा हूँ मैं भी एकदम फ्रेश होकर। क्या पता कोई सरप्राइज पार्टी वार्टी मिल जाए। वैसे मेरा बर्थडे वर्थडे तो है नहीं, लेकिन पार्टी खैर कोई नहीं, देख लेंगे गाइस यहाँ पे। अरे आसपास तो कोई गाड़ी नहीं है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। यहाँ पर गाइस टोनी स्टार्क ने पूरी महफिल बुला रखी है। लगता है गाइस कुछ बड़ा ही हुआ है आज तो। अरे मजा आ गया, जिंदगी बन गई मेरी। मैंने फाइनली एक ऐसी मशीन बना ली। कौन सी मशीन बना ली भाई, क्या हो गया? अबे फ्रैंकलिन, ये पीछे जो मशीन दिख रही है, इसमें एक ऐसी ड्रॉइंग आर्ट है, एक ऐसी कला है कि अगर तुम इस मशीन के पेपर पर कुछ भी ड्रॉ करोगे तो वो रियल लाइफ में आ सकता है। अरे मैं यकीन नहीं मानता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा इसके लिए एक ट्रिक लगती है, तुझे वीडियो को लाइक करवाना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब। अगर तू ऐसा करवा देता है तो उसके बाद हमारी मशीन का काम पूरा हो जाएगा और तू कुछ भी ड्रॉ करेगा, जैसे कोई सुपर हल्क या फिर सुपर आयरन मैन का सूट, वो रियल लाइफ में आ जाएगा कसम से। अरे गाइस अगर टोनी स्टार्क सच बोल रहा है तो एक बार जरा वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, हम भी तो देखें ऐसा सच है नहीं। अबे हाथ ही मसलता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? हाँ ठीक है ना, करता हूँ। तो गाइस चलो एक काम करते हैं, हम इस मशीन के पेपर पर चेक करते हैं। लेकिन भाई मैं ड्रॉ कहाँ करूँ? अबे इस मशीन को एक्टिवेट कर, ऑटोमेटिकली तुझे एक पेपर मिल जाएगा। हाँ भाई, तो यहाँ पर गाइस हमें एक वाइट पेपर मिल चुका है और कुछ टूल्स भी हमारे पास। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सोच रहा हूँ मैं ना एक बहुत ही कमाल का एक जॉइंट हल्का सूट बनाऊं। अबे क्या बना रहा है ये, मुझे तो लग भी नहीं रहा है ये हल्का सूट। अरे रुक जा टोनी स्टार्क बेटा, मैं ना स्कूल में फर्स्ट आया करता था। हाँ पीछे से। अरे बच्चे मजा आ गया। चुप रहो, कितना मजाक उड़ाओगे तुम लोग मेरा? उड़ाते रहो गाइस, देखो मैं इतना बढ़िया करके रहूंगा ना, तुम देखना गाइस। यहाँ पे ना ये ग्रीन कलर डालते हैं। हाँ इस बार थोड़ा सा लगा, लेकिन इसका फेस मुझे आयरन मैन जैसा लग रहा है क्योंकि ये एक सूट है। तो गाइस यहाँ पर मैं ना हल्क को कुछ गैजेट्स भी दे देता हूँ यार, क्योंकि मैं कस्टम सूट बना रहा हूँ। जरूरी थोड़ी ना है कि मैं उसको एकदम रियल हल्क बनाऊँ, राइट? मैं यहाँ पर इसको गैजेट वैजेट दे दूंगा, बढ़िया मिसाइल विसाइल गोलियाँ और सिक्स पैक एग्स भी लगा दिए हमने, और यहाँ पर इसका कलर भी बढ़िया कर दिया। तो गाइस हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। लेकिन एक मिनट स्टॉक, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। अब तो अरे एक मिनट गाइस, सूट सच में आ गया। देखा फ्रैंकलिन गाइस, जैसा सूट मैंने बनाया था ये तो सेम टू सेम विद कलर यहाँ पर आ चुका है। अरे भाई टोनी स्टार्क वाह, इसका मतलब मैं कुछ भी बनाऊंगा जो चीज एग्जिस्ट भी ना करती हो वो भी आ जाएगा। अरे बिल्कुल, और ये असली होगा या नकली? अबे पहन कर देख ले गाइस, हम इसकी पावर चेक करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने सूट पहन लिया। अरे भाई बिल्कुल ही नया पावर्स देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे हार्ड मोड भी नए नए टाइप के मिल रहे हैं। मैं ये वाला ही रखता हूँ पुराना वाला। तो गाइस अरे वाह गाइस, देखिए हल्क का सूट है लेकिन आयरन मैन की पावर्स है, ये मैंने खुद से बनाया है। तो गाइस इसकी पावर टेस्ट करने के लिए हम कुछ गूंज को मारेंगे। अरे भैया ये क्या हो रहा है, मैं शायद जब जी को तबला बजाने आ जाते हो। ये लो तुम्हारी, तो बेटा क्या ही पीट रहा हूँ गाइस मैन को। ये वाला सूट तो बड़ा ही कूल है यार, देखिए गाइस कैसे पीट रहा हूँ मैं को। एक मिनट तुम लोग अटो यहाँ से, इसको बताता हूँ। ये गाइस इस सूट की पावर्स अभी मैं सीख रहा हूँ वैसे तो। एक मिनट यहाँ पे दो बंदे और हैं। ये ले तू भी, कैसा बुरा मारा इसको मैंने दोस्तों, मजा ही आ गया इसको पीटने में। एक मिनट किया रहा, ये ले मजा ही आ गया दोस्तों। मेरे हिसाब से ये वाला सूट तो बहुत ही बढ़िया है गाइस। एक एनिमी वहां पर है तेरी, तो तू भी ले बेटा। गाइस यहाँ पर मैंने सारे के सारे एनिमीज की बैंड बजा दी। अबे एक आध और बचा है यहाँ पर, ये तू भी ले बेटा। बहुत ही बढ़िया गाइस, यहाँ पर जितने भी एनिमी थे उन सबका मैंने सफाया कर दिया है और इन सबके पैसे भी ले लिए हैं, गरीब लोगों में बांट देंगे, उन सबको अच्छा लगेगा। तो गाइस चलो वापस से स्टॉक मेंशन चलते हैं और जाकर टोनी स्टॉक से बोलते हैं कि इस बार कुछ और बढ़िया सा बनाएंगे। हाँ तो टोनी स्टॉक मैं वापस आ चुका हूँ। अरे भाई ये सूट तो बहुत ही कमाल का है यार, मैं तो सोच रहा हूँ 15-20 ड्रॉइंग और बना लूँ। अबे अबे फ्रैंकलिन आराम से इधर आ पहले, क्या हो गया? इतनी आसानी नहीं है, एक इंसान सिर्फ एक ड्रॉ कर सकता है एक दिन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवा के, अब इस बार मैं करूंगा। तो गाइस काम करो, अगर आप चाहते हो मैं ड्रॉ करूं कुछ बढ़िया सा आयरन मैन का सूट, तो प्लीज
प्लीज़ कमेंट में आयरन मैन ओपी लिख दो। अगर आप आयरन मैन ओपी नहीं लिखोगे तो यार ये एक मशीन काम नहीं करेगी। प्लीज़ जल्दी लिख दो गाइज, जल्दी से लिख दो आप लोग आयरन मैन ओपी। मुझसे क्या होगा, टोनी स्टार्क अभी जा रहा है मशीन के पेपर पे लिखेगा ये कुछ, अब लिखूंगा नहीं बनाऊंगा बेवकूफ। तो यहाँ पर मेरी ड्रॉइंग देगी है, मैंने बनाया पहले इसका फेस। गाइज ऐसे लग रहा है जैसे कॉकरोच बना रहा हो। अब चुप रहे, एकदम नए किस्म का आयरन मैन का सूट बनाऊंगा मैं। ये वाला बढ़िया रहेगा गाइस, सच में ऐसा लग रहा है कीड़ा बना रहा हो। अबे रुकेगा यार तू, मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ गड़बड़, इसको हटाते हैं दोबारा करते हैं। ये वाला बढ़िया है, इसका फेस और पूरा कंप्लीट करना है। ये हो गया गाइस, यहाँ पर अब मुझे ये और ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कीड़ा बन गया हो। अबे फ्रैंकलिन यार ऐसे जज नहीं करते भाई, रुक तो जा। यहाँ पर अभी जस्ट मैंने इसका ऊपर का हिस्सा बनाया है, अब देख यहाँ पर इसकी चेस्ट भी बन गई। हाँ इस बार थोड़ा सा मुझे लगा ये अलग। हाँ यहाँ पे तो गाइस देखिए यार, ये कहीं मुझसे भी बेटर सूट ना बना ले। खैर कोई नहीं, मैं और भी बढ़िया सूट बनाऊंगा कल को। अबे चुप रहे फ्रैंकलिन, यहाँ पर देख मैं यहाँ पर ये बनाया मैंने इसका कमाल का। कैसा लगा? अबे मुझे तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बना क्या रहा है। अबे इसकी टांगे बनाने दे, फिर उसके बाद देख रहा ये 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 देख गाइस, यहाँ पर ये ना ऐसे लग रहा है जैसे कीड़े का आयरन मैन बना रहा हो। अबे चुप करेगा तो यहाँ पर देखना, तो इतना कमाल का आयरन मैन निकल के आएगा ना, तू भी शौक हो जाएगा। इसमें कलर वलर और फिलअप कर देते हैं, यहाँ पर मैंने ऑरेंज कर दिया और फेस पर थोड़ा इसकी आंखें बनाता हूँ। ये ऐसी वाली आंखें बढ़िया लग रही हैं। हाँ ये बढ़िया लग रहा है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बस कलर और फिनिशिंग देनी रह गई है। यहाँ पर ये पर्पल डालेंगे हम इसके फेस पर। अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है कम करते हैं। ये बढ़िया रह रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पर टोनी स्टार्क देखिए किस तरह से कलर वलर फिलअप कर रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है ना फ्रैंकलिन। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा ये है क्या। अब रुकेगा थोड़ी देर, यहाँ पर अभी काम चल रहा है भाई, इतनी आसानी से सूट नहीं बनता। देख यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर दे दिया ऊपर, नीचे फिर से पर्पल, इस बार यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज कलर देते हैं ऐसे करके। ये बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, ये देख। अरे भाई इस बार थोड़ा सा सही लगा मुझे यहाँ पे। और यहाँ पर ये देख इसकी चेस्ट पर एकदम कमाल का मैंने थोड़ा सा ब्लूइश, अभी ब्लूइश नहीं है वो येलोइश है, और सच में ऑरेंज वाला, हाँ ऐसा ही वाला ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे इसकी लेग्स में और कलर करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। ये इधर कर देते हैं ब्लैक वाला, ये वाला सही लगेगा, और चेस्ट पर थोड़ा सा ग्रे, ये बहुत सही लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ग्रे कर देते हैं, ये बढ़िया, क्या बात है गाइस। यहाँ पे टोनी स्टार्क पूरी जी जान से मेहनत कर रहा है एक नया आयरन मैन का सूट बनाने की। हाँ तो फ्रैंकलिन अब तैयार है, बस यहाँ पे ग्रीन और बढ़िया, यहाँ पे ये हो गया फिर से बढ़िया तरीके से। चलो गाइस अब आप सभी को दिखाता हूँ मैं अपना सूट, और ये देखो मैंने कहा था ना ऑरेंज पर्पल एंड वाइट कलर, मतलब थोड़ा सा ग्रेश मिला हुआ है इसमें। अरे गाइस मैं भी तो देखूं जाके, अरे भाई कहाँ पर है तेरा सूट, अरे ये रहा। सच में गाइस ये शुरुआत में तो ऐसे कीड़ा लग रहा था, लेकिन ये तो आयरन मैन टाइप का इंसेक्ट टाइप का आयरन मैन लग रहा है भाई। इसको पहनकर देखूं? हाँ पहनकर देख ले गाइस, मुझे मौका मिल रहा है इसको पहनने का, चलो मैं इसको पहनता हूँ यहाँ पर। चलो गाइस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और जाकर फिर से अपने सूट्स की पावर टेस्ट करेंगे। आयरन मैन आज अपना सूट लेकर, नहीं नहीं भाई ये सूट मैंने खुद से बनाया, बहुत पावरफुल है, मुझसे मत लड़ना। गाइस टोनी स्टार्क डर रहा है हमसे, चलो एक काम करते हैं हम। अरे एक मिनट ये क्या, अबे फ्रैंकलिन हम पे हमला हुआ है जल्दी जा। अरे गाइस किसी ने हम पे हमला किया है, दूर से गोलियां चला रहा है, उसका तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कौन है बे, सामने आओ। गाइस एक काम करता हूं, एनिमी इंडिकेटर ऑन कर लेता हूं, उससे हमें एनिमी दिख जाएगा जो हमारे स्टॉक मेंशन पे गोलियां वोलियां और मिसाइल विसाइल मार रहा है। जल्दी करना होगा नहीं तो अवेंजर्स खतरे में आ जाएंगे। यहीं कहीं से गाइस किसी ने हरकत की है। अरे एक मिनट ये रे, अब ये सबको मार दो, खत्म कर दो स्टॉक वाले को। अरे तेरी तो ये लो, अरे कौन आ गया रे, हालत खराब कर दी गाइस। देखा ये सूट ने ऑटोमेटिकली विलन्स को ढूंढ लिया गाइस, ये यहां से हमला कर रहे थे। ये लो तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं, अवेंजर्स को मारोगे तुम, हटो यहां से। अब ये मारो गोली चलाओ उस पे, तुम लोग मुझे मारोगे, मैं लिटरली मॉर्टल हूं। ये 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 गाइस सूट तो बहुत ही कमाल का बनाया टोनी स्टार्क ने, ये तो मिक्सअप लग रहा है। ये ले मजा आ गया, मैंने उसको आसमान में फेंक दिया, बढ़िया। एक बंदा और आ भैया चला दिए गाइस, वो भी बंदा गया भाड़ में। अब यहां पर अब बता बेटा तुम्हारा बॉस कौन है, किसने हमला करवाया हम लोगों पर? हमें ना पता भाई, सूट कहाँ से लाई बताओ। अबे सूट अभी के अभी टोनी स्टार्क ने बनाया है मेरे लिए स्पेशली, बहुत बढ़िया गाइस। यहाँ पर मैंने सारे एनिमीज को फिनिश कर दिया है,
अब एक काम करते हैं, सीधा स्टार्क मेंशन निकलते हैं वापस और जाके टोनी स्टार्क को बताता हूँ कि मैंने एक एक एनिमी कैसी बुरी बैंड बजाई है, मजा ही आ गया। बहुत कमाल की एनर्जी है गाइस इस सूट में। चलो बढ़िया, यहाँ सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब गाइस ये करा मैंने पूरी स्पीड में और जल्दी से चलते हैं यहाँ पर। वो रहा स्टॉक मेंशन, उम्मीद है स्टॉक मेंशन में सारे एवेंजर्स जिंदा होंगे। फालतू में गोलियां चल रही थी, अब बच गए बस हम। अरे वो रहा गाइस, स्टॉक की आवाज आ रही है, मुझे लगता है वो बात कर रहा है। आ माजी तो डांटी लग गई है। अब क्या बोल रहा है, कुछ नहीं तुझे समझ नहीं आएगा। गाइस यहाँ पर वो मशीन कहाँ चली गई? अब फ्रैंकलिन वो दुश्मनों के हमले की वजह से हमने मशीन अंदर छुपा दी थी, खैर वापस लगा दिया यहाँ पर। तो गाइस हम ना कल को और भी कमाल कमाल की ड्राइंग्स करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कल को भी हमें देखने आओ। हाँ गाइस बिल्कुल आना, इसलिए दोस्तों कमेंट में जल्दी से पार्ट टू लिख दो, बहुत सारी कमेंट्स कर दो, बहुत मजा आएगा। हाँ हल्क भी ड्राइंग करेगा। हाँ गाइस अगले वीडियो में हम और लोगों को भी मौका देंगे, बाकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।